फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के मेरे बात करने वाले हैं अपनी लॉक स्क्रीन से हम नए पासवर्ड को हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाना है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पासवर्ड पर जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपका लॉक है पहले से ओपन करेंगे। इस तरीके से ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर नेम वो पिन पासवर्ड है, पैटर्न पासवर्ड है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अनलॉक करना है तो क्या कर सकते हैं, टर्न ऑफ पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका पासवर्ड है उसे दोबारा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें शो भी कर सकते हैं, कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद आपका जो नेम पासवर्ड है वो आपकी स्क्रीन से अनलॉक हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए लॉक कर दिया। लॉक करने वाली स्क्रीन को अनलॉक कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अपने लॉक स्क्रीन पर पिन पासवर्ड सेट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन पासवर्ड पर जाना है और आपको यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नेम पासवर्ड, पैटर्न पासवर्ड, पिन पासवर्ड, तो आप क्या लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पिन पासवर्ड लगाना है, पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, 6 डिजिट का पिन डालना है। इस तरीके से यूज़ पर क्लिक करेंगे, दोबारा सेम पासवर्ड डालेंगे, सेम नहीं होगा तो वो कन्फर्म नहीं होगा और यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।